बीबीसी लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही होंगे हमारे सीएम उम्मीदवार, रणदीप सुरजेवाला ने कर दिया ऐलान। आयुष्मान भारत मानसिक कल्याण के लिए उपचार को कवर करता है, निर्मला सीतारमण। पंजाब के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को 1 नवंबर को बहस की चुनौती दी। गौरव गोगोई ने बिहार की तरह असम में भी जाति सर्वे कराने पर दिया जोर, बोले पिछड़े समुदायों को न्याय मिलेगा। न्यूज़क्लिक केस, मोदी सरकार टेरर फंडिंग पर गंभीर है तो अमेरिका चीन से संपर्क क्यों नहीं किया। तृणमूल विधायक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी खत्म, मंत्री हकीम के घर जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रविवार को एक बड़ा झटका लाग, जब कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीते काफी समय से बिरला भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आ रहे थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शीर्ष सैन्य सलाहकार ने कहा है कि तेहरान इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों का समर्थन करता है और फिलिस्तीन और यरूशलेम की मुक्ति तक इस्लामी लड़ाकों का समर्थन जारी रहेगा। राजस्थान चुनाव, बीजेपी को पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा, लेकिन वसुंधरा बनी बड़ी समस्या। तेलंगाना आग में जलकर टीएसआरटीसी की बस हुई खाक। बद्रीनाथ धाम में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, गुरुओं का किया पिंडदान। बीजेपी शासित राज्यों में जाति आधारित जनगणना पर चुप क्यों हैं पीएम मोदी, कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर बवाल, ईसाई मिशनरी को भीड़ ने घेरा, प्रचार कर रहे 200 लोगों को बनाया बंधक।